ओके सो लास्ट सेशन तक हमने क्या किया है, एक सेकेंड यार, लास्ट सेशन में हमने क्या किया था, हमने देखा था कि शेड्यूल जो हम करते हैं उसको हमने अप्रोक्स एंड कर दिया विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रेंट्स एंड कोड्स। अब बात आती है रोल। अब देखिए किसी भी प्रोजेक्ट का जब आप बजट बनाएंगे, कोई भी प्रोजेक्ट का जब हमें बजट क्रिएट करना होता है वहां पे रोल आता है, क्या क्या फैक्टर्स आते हैं हम उनकी बात करते हैं। एक आता है आपके पास रोल्स, दूसरा फैक्टर आपके पास आता है रिसोर्स, और तीसरा फैक्टर जो आपके पास आएगा वो आता है एक्सपेंसेस। ये तीनों मिलाकर आपका प्रोजेक्ट का बजट क्रिएट होता है, ठीक है। अब हमें स्टार्ट करना है वन बाय वन। सबसे पहली चीज रोल क्या है। अब देखिए रोल किसका होता है, रोल होता है मैन पावर का। प्रोजेक्ट इंजीनियर दैट इज अ रोल, वो आप एक मैन पावर को दे सकते हो। साइट इंजीनियर वो मैन पावर है, साइट फोरमैन वो मैन पावर है, बार बाइंडर वो एक मैन पावर है, वेल्डर फिटर ये सब हमारे क्या है मैन पावर, उनका ही एक रोल हो सकता है। किसी मशीनरी का आप रोल डिफाइन नहीं कर सकते, किसी और आपका मटेरियल का आप रोल डिफाइन नहीं कर सकते, यानी कि रोल होता है ओनली मैन पावर। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो प्लानिंग के दो फेज हैं। हमने क्या कंप्लीट किया, प्लानिंग का सबसे पहला फेज शेड्यूलिंग, अब आता है बजटिंग। अब देखो बजटिंग में रोल्स हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत कम यूज करते हैं। रोल्स केवल और केवल उन कैंडिडेट को एज ए रोल ऐड किया जाता है जो एंटरप्राइज के अपने परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं, जिनको वो पर मंथ बेस पर सैलरी देता है। अगर आपने किसी कैंडिडेट को प्रोजेक्ट बेस्ड हायर किया और प्रोजेक्ट पे जितने दिन वो काम करेगा आपको केवल उसको पे करना है, तो वो रोल के अंदर नहीं बनेगा, वो रिसोर्स में जाएगा। कोई क्वेरी, ये क्लियर है ना कंसेप्ट जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। रोल के अंदर परमानेंट एम्प्लॉयज को क्रिएट किया जाता है केवल, जो कंपनी के अपने एम्प्लॉयज हैं, जैसे प्रोजेक्ट हेड वो कंपनी अपना रखती है, प्रोजेक्ट इंजीनियर कंपनी अपना रखती है, बाकी डाटा क्लाइंट बेस्ड होता है वो रिसोर्सेज के अंडर में जाएगा। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन देते वक्त बताया था रिसोर्स तीन टाइप के होंगे, लेबर रिसोर्स, नॉन लेबर रिसोर्स, मटेरियल रिसोर्स। तो अभी हम बात कर रहे हैं रोल्स की, तो पहले रोल्स की ही बात करते हैं। रोल्स का मतलब है ओनली आप मैन पावर की बात कर रहे हो जो अपने परमानेंट एम्प्लॉय हैं। चलिए अब हम जाते हैं प्राइमावेरा पर। प्राइमावेरा पर जब आप जाएंगे, अगर आपको रोल क्रिएट करना है, रोल क्रिएट करने के लिए अगेन आप एंटरप्राइज टैब पर जाएंगे, यहाँ आपको मिलेगा एक टैब रोल्स। अब आपको यहाँ से रोल्स को सेलेक्ट करेंगे, रोल्स को सेलेक्ट करते ही आपका एक विंडो ओपन हो जाएगा। आपको याद है जब भी विंडो कोई ओपन होता है मैंने आपको बोला सबसे पहला ध्यान यहाँ डिस्प्ले पर दिया करिए, ये सारे कंटेंट को डिस्प्ले नहीं करता क्योंकि वो एक तरीके से फिल्टर लगा होता है। आप यहां से डिस्प्ले पर क्लिक करिए, डिस्प्ले से फिल्टर पर जाइए, फिल्टर से ऑल रोल्स पे क्लिक कर दीजिए, जितने भी रोल्स बने होंगे सब आपको नजर आ जाएंगे। और ये जो रोल्स के अंडर में आप क्रिएट करते हैं रोल्स, ये रोल्स किसी भी प्रोजेक्ट के असाइन किए जा सकते हैं, ये लिमिटेड नहीं है एक सिंगल प्रोजेक्ट के लिए। नाउ आपको क्या करना है, मैंने एक रोल ऐड करना है, मैंने यहां से एक रोल ऐड किया, उसको मैंने बोला RL1 और उसको मैंने नाम दिया प्रोजेक्ट हेड। ये मैंने एक रोल ऐड किया। तो जस्ट सिंपल तरीका, कोई रोल आपको ऐड करना है आप यहां जाइए ऐड पर क्लिक कर दीजिए, यहां क्लिक करिए, आपका है प्रोजेक्ट इंजीनियर 1, आपने यहां जा करके ऐड कर दिया प्रोजेक्ट इंजीनियर।
अब जब ऐड हो जाएंगे आप उसको सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करके नीचे की साइड देखिए, एक जनरल टैब है, एक रिसोर्स टैब है। अभी रिसोर्स का हमें कुछ पता नहीं है तो आप इसको इग्नोर करके चलिए फिलहाल। थर्ड टैब आपके पास आता है यूनिट्स एंड प्राइसेस, और चौथा है कोड। कोड आप समझ गए किस लिए होगा, सॉर्ट करने के लिए डाटा केवल। तो मेन इंपॉर्टेंट आता है यूनिट्स एंड प्राइसेस सबसे पहले। जैसे आपने यहाँ लिखा प्रोजेक्ट हेड एक रोल है, अगर प्रोजेक्ट हेड आपके पास एक से ज़्यादा हैं, ऐसा भी हो सकता है आप एक प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट हेड्स एक से ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, तो उस केस में आप उनकी क्वांटिटी यहाँ बताएंगे। देखो यहाँ लिखा है 1D/D, यानी कि डी बाई डी तो कैंसिल हो जाएगा, तो आप जो भी नंबर यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, अगर 2 लिख रहे हैं तो 2 प्रोजेक्ट हेड हो गए, अगर 1 लिख रहे हैं तो 1 प्रोजेक्ट हेड हो गया, समझ गए। अरे विशाल सर, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप यूनिट्स डिफाइन करेंगे कि कितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट हेड्स आपको चाहिए, उनकी क्वांटिटी। अब यहाँ एक प्रोजेक्ट हेड है, उस प्रोजेक्ट हेड का जो प्राइस है वो क्या है, SR लिखा है सऊदी रियाल के लिए, है ना, वो थोड़ा एडिट किया हुआ है, और उसके बाद लिखा है रेट पर आर। अब हमारे पास जो परमानेंट एम्प्लॉयज होते हैं, हम उनको पे आउट कैसे देते हैं, मंथली बेसिस पर। सपोज करो प्रोजेक्ट हेड है और उसका जो सैलरी है वो 75,000 पर मंथ है, एंटर कर दिया आपने, अब वो सऊदी रियाल के हिसाब से आप वो वैल्यू दे देंगे या जो भी करेंसी आप यूज कर रहे होंगे, इस तरीके से आपने रेट डिफाइन कर दिया। चलिए मैं एक सेकेंड क्या करता हूँ, यहाँ जाता हूँ और करेंसी अच्छा इंडिया करेंसी है नहीं, एक सेकेंड रुकिएगा प्लीज। एडमिन करेंसीज और एड INR इंडियन रुपीस, यहाँ चाहिए सिंबल, तो सिंबल के केस में आप ये कर सकते हैं कि गूगल इंडियन रुपी सिंबल, यहाँ से मैंने ये कॉपी किया, यहाँ आकर के मैंने वो पेस्ट कर दिया, ठीक है। और डॉलर का रेट जो भी कन्वर्जन आ रहा होगा मैं यहाँ दे देना, आई थिंक 0.03 के अराउंड पड़ रहा है, मतलब यहाँ ये नहीं लिखना एक डॉलर कितने रुपीस के इक्वल है, यहाँ लिखना है एक रुपी कितने डॉलर के इक्वल है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ये वैल्यूज़ यहाँ मेंशन करिए, मेंशन करके क्लोज कर दीजिए। अब हम जाते हैं एडिट यूज़र प्रेफरेंसेस, यूज़र प्रेफरेंसेस में यहाँ जाते हैं, यहाँ जा करके हम इंडियन रुपीज़ असाइन कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। अब वापस आ जाते हैं जहाँ हम थे रोल्स पर, देखिए उसने कन्वर्जन कर दिया जितना भी कन्वर्जन था दोनों के बीच। अब हमने यहाँ डिफाइन किया प्रोजेक्ट हेड जो है वो 75,000 पर मंथ, फिर प्रोजेक्ट इंजीनियर, एक प्रोजेक्ट हेड है बट उसके अंदर में 2 प्रोजेक्ट इंजीनियर्स हैं जो उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और एक प्रोजेक्ट इंजीनियर का जो सैलरी है वो अराउंड 52,000 पर मंथ है। स्मॉल m फॉर मंथ, स्मॉल y फॉर ईयर, स्मॉल n सॉरी स्मॉल w फॉर वीक, स्मॉल d फॉर डे, स्मॉल h फॉर आर। m आपने टाइप करा है ना, टाइप करा है, देखो 52,000/m एंटर। ध्यान देना अगर आपने कैप्स लॉक ऑन किया स्लैश कैपिटल M लिखा, अब आप एंटर करोगे वो आपको एरर देगा, स्मॉल लेटर ही लेगा, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। एग्जैक्टली डी फॉर डे, डब्ल्यू फॉर वीक, एम फॉर मंथ, वाई फॉर ईयर, डिफॉल्ट डे होता है पर डे, हाँ डिफॉल्ट वही होता है जो आपने यूजर प्रेफरेंस में सेट किया होगा, वहां आपने डे सेट किया था तो डे ही दिखाएगा, बाकी आपका कंट्रोल है। अब ये तो आपने डिफाइन कर दिए, रोल्स बनाने थे हमें, हमने 2 रोल बना दिए। अब आप अगर ध्यान दें थोड़ा कंसेप्ट पे, मैं वापस आता हूँ क्योंकि हमारा जो ड्यूरेशन है हमने डेज ले रखा है और हमें रेट्स कंपैरिजन देखना है, तो इट्स बेटर कि हम यहाँ रेट्स के हिसाब से डे के हिसाब से रेट दें ताकि आप कंपैरिजन कर पाएँ, कैलकुलेशन पार्ट ईजी हो जाए हमें मैनुअली सोचने के लिए। आप सपोज करें हमने बोला इसको 2500 पर डे,
प्रोजेक्ट हेड, और प्रोजेक्ट इंजीनियर हमने बोला 1500 पर डे। ये दोनों डिफाइन किया। आपने एक चीज नोटिस की है, रोल में कहीं कोई कैलेंडर असाइन करने का ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि मंथली बेसिस पर पे आउट होना है, बात खत्म, कोई कंडीशन ही नहीं है। चलिए इसको कर दीजिए क्लोज। ये तो तरीका हुआ रोल बनाने के लिए। रोल बनाया, बनाया कब जाता है रोल? जब हमें इनिशियल प्लानिंग में हम होते हैं और हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि एग्जैक्टली कौन से रिसोर्स को आप यूज करेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर। भाई आपको ये तो पता है एक प्रोजेक्ट हेड आपको चाहिए, दो प्रोजेक्ट इंजीनियर आपको चाहिए, बट वो प्रोजेक्ट हेड या वो प्रोजेक्ट इंजीनियर कौन से हैं अभी आपने ये डिसाइड नहीं किया। अगर एक कंपनी के अंदर दो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं तो जरूरी नहीं दोनों की सैलरी सेम हो, दोनों का एक्सपीरियंस सेम हो, वो भी वैरी करेगा, उसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट का बजट भी वैरी करेगा। लेकिन हमें स्टार्टिंग में एक, अगर इनिशियल प्लानिंग में हम आइडिया लेना चाहते हैं कि अप्रोक्स बजट कितना आ रहा है, तो उसके लिए हम रोल को क्रिएट करते हैं। क्लियर? चलिए ये क्रिएट हो गए। अब नीचे देखिए, नीचे एक्टिविटी की डिटेल विंडो के अंदर कहीं रोल का कोई ऑप्शन नहीं है। रोल का ऑप्शन नहीं है तो आप असाइन कैसे करेंगे? वो रिसोर्स टैब के अंदर ही आएगा। रिसोर्स टैब में ही रिसोर्स का ऑप्शन होता है, रिसोर्स टैब में ही रोल का ऑप्शन होता है। अभी इसको नहीं समझना है, अभी इसको इस सोच लीजिए है नहीं है। आपने रोल बनाया, रोल आप ऐड करना चाहते हो, ऐड रोल पर आप क्लिक करिए। ऐड रोल पर क्लिक करते ही आपके सामने रोल्स का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। ए एक्टिविटी सेलेक्टेड है, यानी कि आप ए के अंदर असाइन करना चाहते हैं। प्रोजेक्ट हेड की आपको ज़रूरत है उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, आपने असाइन कर दिया, प्रोजेक्ट हेड ऐड हो गया। प्रोजेक्ट हेड ऐड करने के बाद आपको ज़रूरत है वहाँ पर प्रोजेक्ट इंजीनियर की, आपने प्रोजेक्ट इंजीनियर को सेलेक्ट किया और वो प्रोजेक्ट इंजीनियर से ऐड कर दिया। जब दोनों ऐड हो गए तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट हेड है वो प्रोजेक्ट हेड एक है, 5 दिन के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, तो यानी कि बजटेड यूनिट हो गई 5 डेज की। अब 5 डेज की बजटेड यूनिट अगर हुई है तो उसका बजटेड कॉस्ट तो वेरी कर रहा है, वो तो डेसिमल में नहीं होना चाहिए था, वो तो एग्जैक्ट वैल्यू आना चाहिए था। 2500 हमने लिया था, ये आवर कैलेंडर में होगा, लेकिन प्रोजेक्ट रोल में तो कोई कैलेंडर का कंसेप्ट ही नहीं है। रोल में कोई कंसेप्ट ही नहीं है, है क्या बेसिकली? जैसे मैंने बोला आपने रोल तो बना लिए, ठीक है, रोल्स डिफाइन करने के बाद हमें रिसोर्सेज बनाने हैं पहले सारे। यानी कि अभी आपने ये बताया आपको एक प्रोजेक्ट हेड की ज़रूरत है और दो प्रोजेक्ट मैनेजर्स की ज़रूरत है, लेकिन ये डिसाइड नहीं हुआ कि वो एक्चुअली हैं कौन से। जब ये डिसाइड हो जाएगा कि वो कौन से हैं, तब हम ये डाटा रिसोर्स में जाके बनाएंगे, फिर वो रिसोर्स और ये रोल आपस में लिंक होंगे, उसके बाद यहाँ बजट आएगा फाइनल। बात कुछ समझ आई? जैसे फॉर एग्जांपल एंटरप्राइज में जाते हैं, वापस रोल में जाते हैं, मान लीजिए भाई प्रोजेक्ट हेड की ज़रूरत है, प्रोजेक्ट इंजीनियर की ज़रूरत है और मुझे कुछ बार बाइंडर्स की भी ज़रूरत है। कितने बार बाइंडर चाहिए मुझे? टोटल 5 बार बाइंडर चाहिए, और एक बार बाइंडर का जो है वो 550 पर डे है, ठीक। मुझे कुछ वेल्डर्स भी चाहिए, मैंने यहाँ जा करके कुछ वेल्डर्स बनाए, वो टोटल वेल्डर मुझे चाहिए 3, और जो एक का रेट है वो अराउंड 650 पर डे का है। इस तरह रोल बन जाएंगे। अब आपने ध्यान दिया था कि रोल में एक रिसोर्स का टैब है, दैट मीन्स रोल और रिसोर्स का कोई रिलेशन है, अदरवाइज रिसोर्स रोल के अंदर क्या करेगा, या रिसोर्स जब देखेंगे उसके अंदर रोल क्या कर रहा है, आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप किसके लिए आएगी? केवल मैन पावर के लिए, क्योंकि रोल में मटेरियल या मशीनरी है ही नहीं। तो चल रही, अब वापस चलते हैं, पहले मैं इनको हटा दे या इनको असाइन रहना तो कोई बात नहीं, कुछ एक्टिविटीज़ में और आते हैं और असाइन कर देते हैं बार बाइंडर और वेल्डर इस एक्टिविटी में, बार बाइंडर और प्रोजेक्ट इंजीनियर इस एक्टिविटी को, प्रोजेक्ट हेड और लेट्स से वेल्डर
इस एक्टिविटी में बार बाइंडर्स प्रोजेक्ट इंजीनियर, इस एक्टिविटी में प्रोजेक्ट हेड, वेल्डर, बार बाइंडर, तीन दो चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने रोल्स बनाए और वो रोल्स असाइन कर दिए। एक चीज़ और सर, जो प्रोजेक्ट हेड है प्रोजेक्ट इंजीनियर, तो हम चाहते हैं कि उसको पूरे हर एक्टिविटी में सिलेक्ट करें। तो हर एक्टिविटी में आप असाइन कर दीजिए, बिल्कुल पर्टिकुलर अलग अलग या सिलेक्ट करके एक ही बार कर? नहीं, अलग अलग। अब मैं ऊपर से कॉलम को बड़ा करता हूँ ज़रा थोड़ा, और यहाँ पर हमारा एक कैलेंडर ऐड किया था। अब मुझे कैलेंडर की तो रिक्वायरमेंट है नहीं, तो मैंने राइट क्लिक किया कॉलम्स कैलेंडर, इसे रिमूव कर दिया। मुझे ज़रूरत है एक कॉस्ट ऐड करना है, और कौन सा कॉस्ट? बजटेड टोटल कॉस्ट। बजटेड टोटल कॉस्ट को सेलेक्ट किया मैंने, राइट साइड में ऐड किया, अप्लाई, ओके। जैसे जैसे आप रोल ऐड कर रहे हो उनकी कॉस्टिंग हो रही है, उनकी कॉस्टिंग के हिसाब से उनका ऐड होता जा रहा है। जैसे डी एक्टिविटी, ये सारे ऐड होते चले गए। चलिए, ये सब ऐड करने के बाद अब चलते हैं हम लोग एंटरप्राइज रिसोर्सेज। एंटरप्राइज के अंदर ही रोल था, एंटरप्राइज के ही अंदर रिसोर्स है। देखो, सबसे आसान तरीका रिसोर्स क्रिएट करने का, वो सुनना ध्यान से। सबसे पहले कोई भी एक रिसोर्स यहाँ ऐड करिए, वो किसी ना किसी कैटेगरी के अंदर आ जाएगा जो पहले से बनी होगी। हमें किसी के अंदर नहीं चाहिए, तो सबसे पहले उसे यहाँ से लेफ्ट साइड करिए, फिर उसे सबसे टॉप पे ले जाइए। आ गया यहाँ पर। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उसे अपने प्रोजेक्ट का नाम दे दीजिए। फिर अपने इस रिसोर्स को सेलेक्ट करिए, नीचे आइए, जनरल, कोड, डिटेल। इस डिटेल में यहाँ क्या मिलेगा आपको? कैलेंडर। अभी कैलेंडर कौन सा है? हमें कौन सा चाहिए? प्रोजेक्ट का। प्रोजेक्ट का है CPM। तो अगर हमने वो कैलेंडर ग्लोबल में बनाया होगा तो यहाँ असाइन हो जाएगा, बट अगर वो प्रोजेक्ट का कैलेंडर आपने प्रोजेक्ट कैलेंडर की कैटेगरी में बनाया होगा, आप वो कैलेंडर यहाँ यूज नहीं कर पाएंगे। ये ड्रॉबैक है, या तो यहाँ रिसोर्स कैलेंडर आएगा या यहाँ ग्लोबल आएगा, यहाँ प्रोजेक्ट कैलेंडर नहीं आ सकता। नाउ कैलेंडर के अंदर आते हैं, डोर बंद कर देना। यहाँ कैलेंडर के अंदर आते हैं, तो कैलेंडर में आपने कहा एक कैलेंडर असाइंड है DEG। आप यहाँ क्लिक करिए, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपने CPM कैलेंडर है नहीं, इसका मतलब CPM कैलेंडर कहाँ बनाया हुआ? प्रोजेक्ट में, तो यहाँ तो असाइन हो नहीं सकता। अब देखो, इस बहाने से आप एक और ट्रिक सीख जाओगे। आप एंटरप्राइज में जाइए, कैलेंडर में जाइए, अब प्रोजेक्ट कैलेंडर बनाया, अब हमें पता है ये हम असाइन नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके यहाँ एक ऑप्शन आता है टू ग्लोबल, और इसे ग्लोबल में मूव कर दिया। अच्छा, ये मूव होगा, कॉपी नहीं होगा? नहीं, मूव हो गया, यहाँ से हटके ग्लोबल में चला गया, CPM ये आ गया। आ गया, अब यहाँ आ गया, तो अब यहाँ आप क्लिक करो, ग्लोबल कैलेंडर दिखाएगा, यहाँ से CPM को सेलेक्ट करो, असाइन करो। ये प्रोजेक्ट में जहाँ जहाँ कैलेंडर यूज किए होंगे वो चीज़ ऑटोमेटिकली ग्लोबल में चली जाएगी, जा सकती है अगर आप चाहें, लेकिन वही प्रोजेक्ट ओपन होना चाहिए क्योंकि तभी वो प्रोजेक्ट कैलेंडर दिखाएगा। ये चीज़ सिर्फ मूव की है, उसकी सारी एक्टिविटी सारी मूव जिस प्रोजेक्ट में की सब एज इट इज है, बस वो प्रोजेक्ट कैलेंडर की कैटेगरी से हटके ग्लोबल कैलेंडर की कैटेगरी में चला गया, बाकी कोई चेंज नहीं होगा, जहां असाइन होगा वहां सब एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, नाउ बिल्कुल इस तरह की सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी, ग्लोबल कैलेंडर से यूज़ किया। ठीक है।
नाउ इससे होगा क्या, अब हमने इसको प्रोजेक्ट का नाम दिया और इसको कैलेंडर असाइन कर दिया, बाकी हमें इसके अंदर और कुछ नहीं करना है। अब जो भी रिसोर्स ऐड करेंगे वो इसके अंडर में ऐड करेंगे, तो हमें पता होगा सीपीएम प्रोजेक्ट का नाम है और इसके अंदर जितने भी रिसोर्स क्रिएट किए वो हमारे सीपीएम प्रोजेक्ट के रिसोर्स हैं। तो एक तरीके से ये कैटेगराइज करने का तरीका हुआ। दूसरा फायदा, जब भी मैं अब रिसोर्स ऐड करूँगा उस रिसोर्स को ऑटोमेटिकली वही कैलेंडर आएगा जो इसके टॉप पर होगा, तो मुझे हर रिसोर्स को कैलेंडर वेरीफाई नहीं करना पड़ेगा और असाइन नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली कैलेंडर असाइंड आएगा वही वाला। इसलिए फायदा है कैटेगरी बनाने का, समझ आया क्या बेनिफिट है। चलिए जी, हमने वहाँ बनाया था प्रोजेक्ट हेड एक, वो प्रोजेक्ट हेड PH1 जो है अब डिफाइन हो गया कि चलिए जी वो नाम है अहमद, ये अब हमारे प्रोजेक्ट हेड हैं। इन रिसोर्स का टाइप क्या होगा, लेबर ही होगा, जितनी भी मैन पावर है उसका रैंक डजंट मैटर, वो लेबर कैटेगरी का है। यहाँ लेबर टाइप रिसोर्स का मतलब लेबर क्लास नहीं है, वह मैन पावर है। बिल्कुल, यहाँ अगर आप क्लिक करें तो देखो तीन चीज़ें आती हैं यहाँ, लेबर, नॉन लेबर, मटीरियल। अभी हम मैन पावर की ही बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ लेबर कैटेगरी को सिलेक्ट किया। यूनिट ऑफ मेजर किसी काम में नहीं आएगा जब तक के मटीरियल रिसोर्स ना हो, क्योंकि यूनिट ऑफ मेजर तो भाई किस तरह मेजर करना है वो उसके लिए मटेरियल होना चाहिए। बाकी और कुछ यहाँ डिस्टर्ब नहीं करना आपको। प्रोजेक्ट हेड आपने क्रिएट कर दिया, नीचे की तरफ आइए, यूनिट्स एंड प्राइसेस, एक ही था ना उसका रेट 2500 पर डे एंड, यही दिया था ना, मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया। अगेन ऐड कर रहा हूँ मैं एक लेफ्ट साइड, अगेन ऐड लेफ्ट, या इसे राइट ही रहने दो दोनों को, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग प्रोजेक्ट हेड को ही तो रिपोर्ट करेंगे ना, उनको उन्हीं के अंडर में रहने दो दोनों को, ठीक है। ये है प्रोजेक्ट मैनेजर 1, ये है प्रोजेक्ट मैनेजर 2, ठीक है। एक हो गए सपोज तौसीफ और एक हो गए सपोज विशाल। अब ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर 1 है, कैलेंडर तो कोई टेंशन नहीं है मुझे, आप कभी भी जाके देखो सीपीएम ही मिलेगा। अब इंडिविजुअल मैं पर्सन का नाम ले रहा हूँ यहाँ आइडेंटिफाई करके, तो क्वांटिटी तो हमेशा बनी रहनी है ना। तौसीफ उनके लिए जो रेट मैंने डिफाइन किया वो 1500 पर डे, जो विशाल हैं उनके लिए रेट मैंने डिफाइन किया, सपोज उनको एक्सपीरियंस कम है उनको मैंने दिया 1200 पर डे, डिफाइन हो गया। तीन टोटल नंबर ऑफ तीन रोल आपने वहां बनाए, वहां फिर हमने चीज अपडेट नहीं होगी इधर डिफॉल्ट यूनिट्स टाइम में ऊपर में, कोई जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, उसे छोड़ दो। नाउ हमने वहां 5 बार बाइंडर बनाए थे और 3 वेल्डर बनाए थे, ये भी तो रोल बनाए। अब आप ऐड कर दीजिए, BB1 सारे अलग-अलग, BB2 हाँ, अगर आपके पास वैल्यूज अलग अलग हैं, अगर मान लो बार बाइंडर का आप नाम नहीं लिखना चाहते हैं तो उन्हें हटा दो, एक ही जगह लिख दो बस, BB1 यहाँ डाल दो, बार बाइंडर्स यहाँ जाओ, टोटल है 5 और एक का जो सैलरी है वो 1200 पर डे है, सॉरी 650 पर डे। अगर जो सैलरी है वो 5 में से किसी का वेरी करेगा तो फिर उस केस में वो अलग रिसोर्स होना चाहिए। अगर सबका सेम है आप एक ही ग्रुप में बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम इसी तरह ऐड करें आप वेल्डर, वेल्डर ऐड किया, टोटल हैं 3 और उनका जो रेट है वो है 650 पर डे, डिफाइन कर दिया। दोनों में रेट डिफाइन हो गया, जैसे रोल्स में अलग रेट डिफाइन किया, रिसोर्सेज में अलग रेट हो गया। हाँ हो सकता है भाई, आपने जब इनिशियल सोचा था कि मैं इस बंदे से काम कराऊंगा और जब प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का नंबर आया तब तक वो रिसोर्स आपके पास ना हो तो हो
सकता है ना, ये भी फ्लक्चुएट भी कर सकता है। फाइनल रिसोर्स होगा, तो यानी कि हम जो रेट लेना चाहेंगे वो रोल नहीं, हम रिसोर्स का रेट लेना चाहते हैं फाइनल, क्योंकि फाइनली हमारा डिसीजन इसके बिहाफ पर हो रहा है। तो देखिए क्या करेंगे आप, एंटरप्राइज रोल, वापस आ जाइए रोल वाली विंडो पर, आगे रोल विंडो पर वापस आ जाइए। सबसे पहले प्रोजेक्ट हेड बनाया था, प्रोजेक्ट हेड के लिए जो भी रिसोर्स बनाया, अब रिसोर्स टैब पर आइए, असाइन पे क्लिक करिए, ये प्रोजेक्ट हेड है हमारे। प्रोजेक्ट इंजीनियर तौसीफ एंड विशाल असाइन कर दीजिए। बार बाइंडर्स ये हैं, वेल्डर्स ये हैं, लिंक कर दिए सब, यही हमने बनाए थे। लिंक करने के बाद ये विंडो क्लोज कर दीजिए, बस उसका काम था लिंकिंग कर देना वापस। अब अपनी एक्टिविटीज़ पर वापस आइए, हमने हर जगह रोल्स ऐड कर दिए हैं, वापस से आते हैं। अब ऐड रोल से रोल ऐड किए थे, यहाँ अब एक ऑप्शन है असाइन बाय रोल, क्लिक करिए। इसके अंदर कौन कौन से रोल डाले, प्रोजेक्ट हेड और प्रोजेक्ट इंजीनियर। अब ए एक्टिविटी में प्रोजेक्ट हेड तो एक ही है, तो ये तो यही यूज़ होगा। चलिए प्रोजेक्ट इंजीनियर दो हैं, इन दोनों में से कौन सा प्रोजेक्ट इंजीनियर आप इस पर यूज़ करना चाहते हैं, अब आपके पास ऑप्शन आ गया। मैंने बोला विशाल को यूज़ करना है, चलिए बी में बार बाइंडर वेल्डर, वो तो सेम ही पे स्केल पर है। बार बाइंडर यहाँ तौसीफ भी यूज़ करना है, हैमर वेल्डर बार बाइंडर्स विशाल बार बाइंडर हैमर वेल्डर, सब असाइन कर दिया आपने। अब देखो जैसे यहाँ के कॉलम एडिट किए थे, यहाँ के कॉलम एडिट किए थे, सेम उसी तरीके से यहाँ भी कॉलम्स हैं, ये बजटेड यूनिट बजटेड कॉस्ट, ये सारी वैल्यूज़ आपको ये कॉलम इस तरीके से नहीं मिलेंगे अपने, जब अपने सिस्टम में आप देखेंगे तो आपको इनको सेट करना पड़ेगा। राइट क्लिक कस्टमाइज, देखिए इस तरह सेट कर लेना, ये वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ जब आप वीडियो देखें ज़रूरत पड़े आपको, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने पास रख लेना, तो आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा कि ये सारी वैल्यूज़ के कॉलम यहाँ ऐड कर दीजिए। वन टाइम जॉब है, फिर तो ऐड ही रहेंगे, बस लेफ्ट साइड से ढूंढना है, राइट में डालना है। लेफ्ट से ढूंढने में सबसे अच्छा तरीका अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, तो इसको पहले ग्रुप एंड सॉर्ट में जाके लिस्ट ओपन कर लेना, बस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेलेक्ट करो, राइट सेलेक्ट राइट, ओके। जैसे जैसे आपने रिसोर्स ऐड किए, अब उनके प्राइस पे ध्यान दो, वो तो वो डेसिमल में नहीं आ रहा ना आपके पास, एग्जैक्ट वैल्यूज आती चली गई नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। जैसे प्रोजेक्ट हेड फॉर 5 डेज 2500 इंटू 5 12500 आ जाएगा, सिमिलरली 6000 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि हमने क्या किया है, पहले रोल्स के अंदर रोल को डिफाइन किया, और उसके बाद उन रोल्स के अकॉर्डिंग रिसोर्स क्रिएट किया, मैन पावर लेबर रिसोर्स, और उसको रोल के साथ लिंक कर दिया। तरीका क्या होगा, पहले आप रोल ऐड कर देंगे, उसके बाद असाइन बाय रोल में जाकर आप सेलेक्ट कर देंगे रोल के अकॉर्डिंग कौन कौन से रिसोर्स को आप यहाँ यूज़ करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके प्रोजेक्ट का बजट बन गया अकॉर्डिंग टू लेबर। अभी तो केवल लेबर आया, अब सेकंड जी हमने 5 बार बाइंडर 3 वेल्डर यूज किए, बिल्कुल, लेकिन जब असाइन बाय रोल में हमको चाहिए और नहीं यहां पे 3 ही काम करेंगे बार बाइंडर ही दो ही वेल्डर, यहां पर क्या आएगा, हाँ ये चीज स्किप हो गई। मान लीजिए यहां आपने ये 4 दिन की एक्टिविटी है, यहां बार बाइंडर भी है और वेल्डर भी है। अब एक एक्टिविटी में जरूरी नहीं ना आपको एक ही चाहिए, एक से ज्यादा भी चाहिए ना, तो आप यहाँ आएंगे बजटेड यूनिट में, एक यूज़ कर रहे हो आप यहाँ आके डिफाइन कर दो कि नहीं मुझे तो 2 बार बाइंडर चाहिए इस एक्टिविटी के लिए, तो टोटल अवेलेबिलिटी आपके पास कितनी है, 5 की, आपने 2 यहाँ असाइन कर दिए। फिर आप सी पर गए, सी पे बार बाइंडर आपके पास हैं, आपने यहाँ जाके बोल दिया यहाँ आपको इसके लिए 4 चाहिए, तो जैसे जैसे आप यहाँ दोगे इसकी मल्टीपल बढ़ेगा, इसका मल्टीपल बढ़ेगा तो प्राइस का मल्टीपल बढ़ेगा,
उसी के अकॉर्डिंग ये बढ़ता चला जाएगा। अब प्रोजेक्ट इंजीनियर है एक है, और जो यहाँ एक ही असाइन है तो वो ऑलरेडी असाइन है ही है अवेलेबल, तो वो उसी के हिसाब से असाइंड है। सेम इसी तरह हर एक एक्टिविटी में, यानी कि नंबर ऑफ बजटेड यूनिट आपको यहाँ से बढ़ानी है कि आपको कितने नंबर ऑफ एग्जैक्टली वो रिसोर्स यूज़ करने हैं, वो आप वैल्यू यहाँ दे सकते हैं। इसी तरह अब वापस आते हैं अपने रिसोर्स पर। ये तो बात हो गया लेबर रिसोर्स किस तरह हमने CPM के अंदर ऐड किया। मैं वापस गया CPM के अंदर, मैंने यहाँ एक रिसोर्स ऐड किया, ये रिसोर्स है मेरा लेट से एक्सकेवेटर मशीन कोई। अच्छा ये मैंने कोई असाइन कर रखा होगा कोड पहले, एक्सकेवेटर आप यूज कर रहे हो तो उसका टाइप क्या हो जाएगा, नॉन लेबर, नॉन लेबर आ गया। अब ये जो एक्सकेवेटर मशीन आप यूज कर रहे हो इसकी क्वांटिटी कितनी है, एक एक्सकेवेटर है कि दो है वो डिफाइन कर सकते हो, एक ही है चलिए, उसका रेट क्या है, आप उसको कैसे पे कर रहे हो, पर डे बेस पर या पर मंथ बेस पर, जनरली मंथ बेसिस पर होते हैं कि भाई 75,000 पर मंथ है आपने डिफाइन कर दिया तो स्मॉल एम मंथ के लिए। इसी तरीके से मैंने कोई एक क्रेन यूज़ किया, एक दो क्रेन मैं साइट पे यूज़ कर रहा हूँ, लेट से एक क्रेन का जो है वो 50,000 पर मंथ का है, मैंने वो ऐड कर दिया, तो इस तरीके से नॉन लेबर बन जाएंगे। असाइन करने के लिए अब क्योंकि वो तो रोल में बनाए नहीं गए ना, रोल में होते तो वहाँ आप ये पहला ऑप्शन ऐड रिसोर्स, यानी कि डायरेक्टली रिसोर्स ऐड होगा, ए एक्टिविटी है ऐड रिसोर्स पर क्लिक करेंगे, एक्सकेवेटर यूज़ कर रहे हैं, एक्सकेवेटर आपने यूज़ कर लिया, 5 दिन का ये चार्ज बैठेगा। आप आगे बी एक्टिविटी पर आपको क्रेन यूज़ करना है, आपने यहाँ क्रेन यूज़ कर लिया, एक के बजाय दोनों क्रेन यूज़ करने हैं तो दोनों क्रेन को आपने ऐड कर दिया, ये चार्ज आ गया, ठीक है ओके। अब बात आएगी सबसे इम्पोर्टेंट मटेरियल रिसोर्स। आप रिसोर्सेज पर जाइए और रिसोर्सेज पर जाने के बाद सपोज़ मैं ऐड कर रहा हूँ मटेरियल, मैंने थोड़ा उसकी कैटेगरी से बाहर आ रहा हूँ और थोड़ा ऊपर की तरफ लेकर जा रहा हूँ इसे, मैंने बोला एसटी, ये दे रखा है पहले से ही तो ये आ जाएगा एसटी, यहाँ मैंने बोला मटेरियल रिसोर्स, जैसे ही मटेरियल रिसोर्स होगा यस कर दो, ये देखो ब्रिक बनेगा मटेरियल के लिए, गियर बनेगा नॉन लेबर के लिए और ह्यूमन का आइकन आ रहा है लेबर के लिए। जैसे ही मटेरियल आया यहाँ यूनिट ऑफ मेज़र आ जाएगा, मुझे टन में मेज़र करना है स्टील या मैट्रिक टन में, मैंने बोला सपोज मैं मैट्रिक टन में मेज़र कर रहा हूँ, मैंने अपनी यूनिट ली, हो सकता है कोई यूनिट ऑफ मेज़र ऐसा है अवेलेबल ना हो यहाँ उसके केस में आपको क्या करना पड़ेगा, वो यूनिट ऑफ मेज़र बनाना होगा। अगर आपको बनाना पड़ेगा तो देखिए एडमिन टैब है, एडमिन टैब में एक टैब आता है एडमिन कैटेगरीज, आप यहाँ जाएंगे, यहाँ जाने के बाद यूनिट ऑफ मेज़र, यहाँ से सिंपली ऐड पर क्लिक करिए, उसका एब्रीवेशन और उसका नाम बस डाल दीजिए, वो वहाँ विजिबल हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा यूनिट और यूनिट का नेम मैंने डाल दिया यूनिट पूरा, इसको क्लोज यूनिट आ गया। इसी तरह मैंने मैट्रिक टन, टन या बैग ये सब बना रखे हैं, अवेलेबल नहीं होते बाय डिफॉल्ट ओके ऐड हो गया मटेरियल। चलिए ये तो मैंने कैटेगरी डाली कि हाँ मुझे स्टील एक यूज़ करनी है, मैट्रिक टन में मैं उसे मेज़र करूँगा। अब स्टील के डिफरेंट डिफरेंट साइजेस यूज़ करने होते हैं आपको, मान लीजिए आपने लिखा कि D10 चाहिए, अब D10 तो आप समझिए डायमीटर 10 की हम बात कर रहे हैं और यूनिट ऑफ मेज़र हमारा मैट्रिक टन ही चलेगा। एक और मुझे चाहिए, ये चाहिए मुझे D12, नाम भी सपोज सेम ही रखा मैट्रिक टन,
एक और मुझे चाहिए सपोज D18 इस तरीके से आप ऐड करते चले जाएंगे। अभी आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि टोटल स्टील कितनी चाहिए, आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते क्योंकि आपको तो ये पता है एक्टिविटी वाइज आपको कितना चाहिए। ये तो आपने उनका टोटल मैनुअली कर रखा हो, लेकिन फिर उस टोटल को आपको ये बताना होगा कि डायमीटर 10 का टोटल कितना है, डायमीटर 12 का कितना है, डायमीटर 18 का कितना है। तो हम यहाँ कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं करेंगे, केवल और केवल रेट डिफाइन करेंगे। यूनिट मैट्रिक टन लिए, एक मैट्रिक टन का रेट कितना है बस वो बताएंगे। यहाँ 10 को सेलेक्ट किया, भाई 10 का रेट है लेट्स से 75,000, मैट्रिक टन ही आएगा। ट्वेल्व का है सपोज 73, तो 10 मैट्रिक टन का मैंने बोला ना जो है उसे इसकी भूल जाइए, डिफॉल्ट पे छोड़ दीजिए, आप अपना केवल रेट पे ध्यान दीजिए। 70,000 पर मैट्रिक टन, कोई तो वैल्यू मान के ही चलेगा, वो है जीरो तो लेगा नहीं। तो फिलहाल हमने ये बता दिया कि एक एक मैट्रिक टन का रेट क्या है साइजेस के हिसाब से। एक्टिविटी पे आ जाइए, ए एक्टिविटी है। ए एक्टिविटी के अंदर सपोज आपको कोई मटेरियल यूज़ करना है, आप ऐड रिसोर्स पर जाएंगे, कौन सा यूज़ करना है भाई, डायमीटर 10 वाला और डायमीटर 18 वाला, ये दो यूज़ करना है। जैसे आप इन दोनों को यहाँ वैल्यू ऐड करेंगे तो देखो 50 मैट्रिक टन ये ऐड हो गया, 50 ये, क्यों, कितने दिन की एक्टिविटी है, 5 दिन बाई डिफॉल्ट 10 लिख रहा था वहाँ, 10 5 50, तो 50 50 मैट्रिक टन डाल दिया। लेकिन अब हमें ये पता होगा कि यार ए एक्टिविटी है, इसके अंदर हमें जो डायमीटर 10 का यूज़ करना है वो 2 मैट्रिक टन यूज़ करना है। तो आप यहाँ बजटेड यूनिट्स में आएंगे, यहाँ आके अपनी वैल्यू लिख देंगे 2 मैट्रिक टन, और यहाँ आके डायमीटर 18 है वो 3 मैट्रिक टन आपको चाहिए, आप यहाँ ला के लिख देंगे, क्योंकि ये वैल्यू वेरी करेगी एक्टिविटी टू एक्टिविटी, साइज टू साइज, इसलिए आप वहाँ कौन सा साइज ले दो दे सकते हो, हमें तो साइज एक्टिविटी में डिफाइन करने के बाद देना होगा। तो आपने यहाँ आके डिफाइन कर दिया। अब जैसे लेबर का ऐड हो रहा था वैसे मशीनरी का भी ऐड हुआ, वैसे मटेरियल का भी ऐड हुआ, और वैसे वैसे वहाँ एक्टिविटी टू एक्टिविटी ऐड होना शुरू हो जाएगा, इन सब का टोटल ऊपर ऐड हो जाएगा, ये आपके प्रोजेक्ट का बजट आ गया। रोल्स और रिसोर्स, एक और तीसरा फैक्टर की हमने बात की थी, एक्सपेंस। नाउ आप जाइए एक्सपेंसेस के अंदर, अगर कोई वन टाइम एक्सपेंस हुआ है, मान लीजिए ऐड करिए कि मुझे, मैंने वेल्डिंग मशीन परचेज की है, एक्सपेंस की कैटेगरी क्या है, कोई इक्विपमेंट कोई हार्डवेयर मैंने खरीदा, बस कितनी मशीन खरीदी, एक, और उस एक का रेट क्या था कि 45,000 रुपये थी, तो बस ये वन टाइम कॉस्ट है, ये पर डे पर वीक पर मंथ नहीं देना है, कोई कैलेंडर से मतलब नहीं है। तो जो भी वन टाइम कॉस्ट हैं वो आप एक्सपेंसेस में जाके डाल दीजिए, वो ऐड हो जाएगा आपके प्रोजेक्ट के बजट में डायरेक्ट, कंप्लीट प्रोजेक्ट का आपका बजट आ गया। ये तीन फैक्टर्स हैं जहाँ से आपके प्रोजेक्ट का बजट क्रिएट होता है। क्लियर? ये जो अभी आप एक्सपेंस ऐड किए हैं, आप एक्टिविटी में किए हैं या क्रिटिकल पाथ में? नहीं, एक्टिविटी तो सेलेक्ट करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये ऑप्शन आएगा ही नहीं। किस एक्टिविटी में आप इस्तेमाल करेंगे? देखो ये इस एक्टिविटी में ऐड हो यूज कर रहे हो या बाकी में भी कर रहे हो, परचेज तो एक बार कर ही लिया ना, फिर तो किसी में भी करो, उसका एक्स्ट्रा चार्ज तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि कैलेंडर पर डिपेंडेंसी ही नहीं है। तो बेसिकली तो वो प्रोजेक्ट के बजट में ऐड हो गया जाकर के, बस इसी एक्टिविटी में। बिल्कुल। सो कुछ क्लियर हुआ एस्पेक्ट सर? लेकिन जो बिल्डिंग कर रहे जाते हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हाँ, उसमें किस तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, बिल्डिंग का मतलब तो ये